बलाचौर के BSF का जवान असाम विच सड़क हादसे दौरान होया शहीद। बलाचौर के पिंड धर्मपुर का जवान धर्मेंद्र कुमार उर्फ रिंकी कसाना शनिवार को भारत बंगलादेश सरहद ते असाम विच ड्यूटी दौरान शहीद हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार धर्मेंद्र कुमार उर्फ रिंकी अपने साथियों समेत असाम विच भारत बंगलादेश सरहद ते स्थित दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले विच एक सरकारी गड्डी विच ड्यूटी दौरान गश्त कर रहा सी तां अचानक उसकी कार हादसे का शिकार होकर डूंघे पानी विच जा डिगी, जिस दौरान उसकी मौत हो गई है। सड़क हादसे विच जान गुआन वाले BSF के जवान का अज पिंड धर्मपुर विखे सरकारी सन्माना दे नाल अंतिम संस्कार किया गया। दस दिए कि धर्मेंद्र कुमार की उम्र 32 साल के करीब सी, जो 11 साल पहला BSF विच भर्ती होया सी ते अपने पिछे 4 साल अते 1.5 साल दे 2 बेटे पत्नी समेत माता पिता अते भैन भरा इकला छड गए ने। हाँ जी सर, जो हादसा होया धर्मेंद्र के नाल, एक किस तरीके का होया, तुसीं उन्हां दी बटालियन दे विच सीगे? हाँ जी, ये हादसा 18 तरीक नूं ये होया जी। तो 18 तरीक नूं ये अपना पेट्रोलिंग जिप्सी जा रहे सी, लैके 4 आदमी नाल बैठे सी, एक बराबरे दे सब इंस्पैक्टर बैठा सी, पिछे 3 जवान सीगे, पेट्रोलिंग जा रहे सी। पेट्रोलिंग जाते जाते जो बॉर्डर रोड है साडी, ये अपना मंघाला दा गुवाहाटी है, असाम है, उहदा एरिया है सारा। क्या है, यह नदी पैंदी है अपनी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इस टाइम सुक्की नदी है, किसी किसी पासे की है साइड ते पानी होके एक तालाब का रूप धार लैंदा है। जो ये गड्डी लेके जा रहे थे, रास्ते दे विच अचानक बकरी पता नहीं की इस जाई, साथ ही टर्निंग सी, जैसे इसने देखा भी गड्डी हुण मेरी ओवर कंट्रोल हो गई, लैफ्ट साइड ते तारबंदी है, जो फेंसिंग है बॉर्डर फेंसिंग है, जगह उन्नी है जिन्नी मतलब गड्डी की जगह ही है, बड़ी मुश्किल जगह बचा बचू के पास देंदे एक दूसरे को। इन तार दे विच मारन दे बजाए राइट साइड के उत्ते जो जगह खुली सी उस साइड नूं इन्हें सोचा भी मैं कट लूँगा, तो गड्डी सीधी उतर गई है राइट साइड से, ड्राइवर साइड गड्डी उतर गई है, सीधी धार नूं गई है, जाण तों बाद सीधी जो दीवार ने जाके टकराई जिथे पानी खड़ा हुंदा नाल जाके टकरा के उन्ने ही पिछे आई, पिछे आ के गड्डी टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी होने बाद जो अगे बैठा सी SI वह भी नाल दी नाल ही अपना डिगण सारी वह भी निकल गया, अपना जानता होना जा किवें तैरन जानता होना निकल, बधी हुई सी। जो पिछे 3 जवान बैठे से उन्होंने भी एक जो तिने निकल गए, तिना दे विचों की है एक आदमी तैरने जानता, वह पानी अगे अंदर चला गया। धर्मेंद्र ये भी निकल के अपनी सीट के उत्तों साइड पर भी निकल गया, पानी चो बाहर निकल गया। दोनों की डेड बॉडी, बड़ी कोशिश की NDRF पब्लिक का साथ, जिन्हें भी किश्तियां बोट हजारा लखा आदमी उत्ते इकट्ठा हो गया, जिन्हें भी मीडिया आई है सब आई है, सब ने बड़ी कोशिश करी। तो धर्मेंद्र तकरीबन शाम के मेरे 4-5 घंटे बाद कढ लै गया है। उस तो बाद वापस अपना बाहर कढ के रख लिया। उस तो बाद रात हो गई, रात होने बाद कुछ नहीं कर सके, तड़के फिर उही ड्रामा शुरू होया। तो 11:15 इन्हों बाहर इसकी डेड बॉडी मिली, अपने जो बिहार वाला लड़का सी जो पिछे बैठा सीगा, वो की है पानी के अंदर जो भी बॉर्डर साइड तारबंदी है उन्हें तारा कट कट के जो तार कंडम हो जाती है तो नदी वाले पासे पानी वाले पासे सुट देंदे सी, उहदे विच घा जंगल सारा कुछ सीगा, तो उहदे विच अंदर जा नहीं सकदा सी आदमी। तो पब्लिक नूं तां पता जिहड़े आम उत्थे लोकल आदमी उन्हां ने किश्तियां दूसरे किस्म दीआं जिहड़ियां साडियां सरकारी आ, उह थोड़ियां ट्यूब टाइप हुंदियां, जो कि अचानक कोई ऐसी बात हो गई या छुट्टी तो हो गई या बीमारी ने मर गया, वो अलग अलग ही तरीके है, उस हिसाब नाल ही उन्होंने पेंशन देनी है और जो बेनीफिट उस हिसाब नाल ही देना। नौकरी मिल सकती? हाँ, नौकरी भी मिल सकती, वो तो जो जो भी कोई प्रपोजल है वो सारा मिलेगा, बेनीफिट सारे मिलेंगे जो है। पेंशन लिया सी 2004 तो बाद पेंशन बंद है, परंतु जिहड़े इस तरह ऑन ड्यूटी डैथ हो जाते हैं उन्हां दी विडो वास्ते पेंशन दी, उन्होंने PPO भी उस 2008-09 दे विच कोई मिनिस्ट्री भी कम करते सी ते उस टाइम तो लागू हो गए सी, उत्थे PPO दिते सी। नहीं, उन्होंने तो मिलेगी, जो विधवा पेंशन है वह तो इन्होंने मिलनी है, जी आप मतलब 20 साल नौकरी करके जवान जाता है उन्होंने पेंशन नहीं है, उन्होंने एक PPF फंड होंगे उन्हों का, मतलब जिन्ना उन्होंने पैसा कटूगा उन्ना ही गौरमेंट देगी। मान लो जो 15 लाख रुपया होगा तो 15 लाख गौरमेंट देगी, 30 लाख रुपया होगा वो इन्हों का अलग रूल हैगा।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਧਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, 20 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਆਹੀ ਟਰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਸ ਅਸਾਮ ਦੀ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਟਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੀਲਵਾੜਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਜ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨੂੰ।